हेलो गाइस, राधे राधे। आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एवरीडे यूज आइटम में। आज ना मैं कुछ ऐसा नुस्खा बताने जा रहे हैं जो हमारी दादी नानी करती थी। सर्दियों के दिन आ गए हैं तो आप हम सब जानते हैं कि हम लोगों की एड़ियाँ बहुत फटती हैं सर्दियों में। तो हमारी दादी नानी क्या करती थी, ये दिवाली पर मोमबत्ती आती थी या नहीं भी आती तभी मोमबत्ती मंगा लेते थे। तो ये मोमबत्ती है तो इसे हम इसमें कट कर लेंगे, इसका धागा निकाल लेंगे। ऐसे तोड़ के भी निकाल सकते हैं या फिर चक्कू से इसे कट करके रख लेंगे। देखिएगा, मैंने ये चक्कू की हेल्प से इसे सारा कट कर लिया और इसका धागा ये सारा निकाल लिया। अब हम इसमें क्या डालेंगे, इसमें सरसों का तेल, केवल सरसों का तेल ही डालना है आपको और कुछ भी नहीं डालना। तो मैं इसमें सरसों का तेल डालती हूँ। तो देखिएगा, मैंने इसमें सरसों का तेल ऐड कर लिया है और सरसों का तेल हमें इतना डालना है कि हमारी ये जितनी मोमबत्ती है ना वो अच्छे से डूब जाए इसमें। और हमें इसे गैस पे गरम कर लेना है बस पिघलने तक, कि हमारी ये मोमबत्ती जो है एकदम इसमें सेट मिल जाए। देखिएगा, इसमें अच्छे से मोमबत्ती हमारी मिल गई है। अब इसे तब तक ठंडा होने देते हैं। मैं आपको तब तक दूसरा आइडिया बताती हूँ एड़ियाँ फटों की, फटी एड़ियों के लिए। देखिएगा, ये ग्रीस आपकी कितनी भी फटी एड़ियाँ हों, रात में अच्छे से थोड़े पानी से पैर धो के साफ कर लीजिए एड़ियों को और फिर से लगा लीजिएगा। रात में लगा के आप सो जाइएगा, सुबह देखना आपकी एड़ियाँ एकदम सॉफ्ट और मुलायम हो जाएंगी। आप 3 दिन ही इन्हें अप्लाई करेंगे ना, 3 दिन में आपके पैर एकदम चिकने हो जाएंगे एकदम से अच्छे। तो ये कोई परेशानी से नहीं मिलता, सबके घर में 2 व्हीलर होती हैं तो सबके घर में वो चैन में लगाई जाती है ग्रीस है ये, तो मिल जाती है, सबके घर में रहती ही है। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत भी नहीं है और कोई भी खर्चा भी नहीं है, सबके घर में डली रहती है 1-2 पैकेट। तो आपने एड़ियों में लगाएंगे ना तो आपको खुद एहसास होगा ये कितनी अच्छी चीज़ है, जिससे एड़ियाँ एकदम से बहुत ही अच्छी हो जाती हैं, एकदम चिकनी साफ, एकदम बिल्कुल भी फटी नहीं रहती। तो ये दूसरा आइडिया था। तब तक हमारी मोमबत्ती सेट हो गई होगी, मैं अभी उसे आपको दिखाती हूँ। देखिएगा, ये हमारी मोमबत्ती की क्रीम बन के तैयार हो गई है पैरों के लिए। तो इसमें आपको सरसों का तेल ही यूज करना और कोई नहीं करना है, क्योंकि सरसों का तेल अच्छा होता है तो वही डालते हैं अपन इसमें। और हमारी दादी नानी भी इसमें डालती थी। मैंने अभी इसे एक छोटी सी कटोरी में ट्रांसफ़र कर लिया है, लेकिन आपके पास डिब्बी हो छोटी सी उसमें भर के रख लीजिएगा और उसकी ढक्कन बंद करके रखना, यानी कीड़े वगैरह कुछ चले जाते हैं। मुझे अभी कुछ मिला नहीं तो मैंने इसी में रख लिया है इसे। आप इसे पैरों में लगाएंगे ना तो आपको खुद एहसास होगा ये कितनी अच्छी चीज़ है। पैरों में लगाने से एकदम से एड़ियाँ बहुत ही अच्छी हो जाती हैं, सॉफ्ट सॉफ्ट सी, और हमारी एड़ियाँ और नुकसान भी कुछ नहीं करता। और ग्रीस को लगाने से आप सोचेंगे कि हम ग्रीस लगा रहे हैं तो हमारी एड़ियों कुछ नुकसान होगा, तो कुछ भी नहीं होता। मैंने यूज़ करके खुद देखा है, मेरी भी एड़ियाँ फट गई थी तो मैंने ग्रीस लगाया था, तो उससे भी मेरी एड़ियाँ बहुत ही अच्छी मुलायम और सॉफ्ट हो गई थी। ये दोनों ही चीज़ें आप जो भी चाहो वो यूज कर सकते हो अपनी एड़ियों में। तो आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिएगा, और प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक या शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।